Okay, welcome back to class, Azad. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important, that is modern definition of organic compound. At the previous lecture, we have discussed definition of organic compound, but on the base of old concept, that is on the base of source. On the base of source ke mutabik, wo compound organic hote hain जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, लाइक पलमेटिक एसिड जो पालम से हासिल होता था, ब्यूटेरिक एसिड जो बटर से हासिल होता है, फॉर्मिक एसिड जो फ्यूमर से, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लैपिड्स प्लांट से, मतलब इनिशियली वही कंपाउंड ऑर्गेनिक कहलाते थे जिनका सोर्स सिर्फ ऑर्गेनिज्म होता हो, मतलब जो सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही बनता हो। और ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये जेकब का था, 18th century। जो क्वेश्चन था कि जेकब ऐसा क्यों कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिज्म से ही हासिल होता है, अलावा हासिल नहीं होता, तो उसने जो जवाब दिया था, वो जो जवाब पेश किया था, दैट इज वाइटल फोर्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म में एक फोर्स होता है जिसका नाम रूह की ताकत है, वाइटल फोर्स है। लेकिन बाद में तो जब 1828 में साइंटिस्ट आया जिसका नाम ओलर था, उसने इस कॉन्सेप्ट को गलत किया। कैसे गलत किया? उसने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम यूरिया था। बनाया कैसे? विदाउट ऑर्गेनिज्म, विदाउट वाइटल फोर्स से। किस तरह? एक अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हीट किया तो उसके एटमों की अरेंजमेंट जस्ट चेंज हो गई और इसे यूरिया हासिल हुआ, एंड यूरिया इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑर्गेनिक। लेकिन इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म ना हुआ, जस्ट टू हीट अमोनियम साइनेट और इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हुआ। यहाँ पे कोई वाइटल फोर्स भी नहीं है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हुआ। तो जो डेफिनेशन था, जो बेस था, कि ऑर्गेनिक वो है जो सिर्फ ऑर्गेनिज्म से ही हासिल हो, जो सिर्फ लिविंग बॉडी में ही बनता हो। लेकिन यहाँ पे तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, दैट इज़ यूरिया, लेकिन वो लिविंग बॉडी में तो नहीं बना, वो वाइटल फोर्स की मौजूदगी में तो नहीं बना, वो ऑर्गेनिज्म से तो हासिल नहीं हुआ, वो तो लेबॉरेटरी आर्टिफिशियली लेब में अमोनियम साइनेट को जस्ट हीट करने से कंपाउंड हासिल हुआ। तो कोई वाइटल फोर्स यहाँ नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म्स नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हुआ। तो इसी तरह जो डेफिनेशंस था वाइटल फोर्स के मुताबिक, वो गलत हुआ। जो थ्योरी पेश हुई थी, दैट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, वो भी गलत हो गई। तो फिर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन गलत हुआ 1828 में ओलर ने यूरिया बनाने से जब गलत किया, तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन तो करना है, क्योंकि जो डिफिनीशन था वो तो रिजेक्ट हुआ। सो फिर मॉडर्नली डिफाइन हुआ, और मॉडर्नली जो डिफाइंस हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। जो ओल्ड कंसेप्ट था, जो ओल्ड डेफिनेशन था, वो ऑन द बेस ऑफ सोर्स था, लेकिन वो तो रिजेक्ट हुआ। अब मॉडर्न डिफाइन करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, लेकिन मॉडर्नली हमने जो डिफाइन करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशंस करना है। कंपोजिशन मींस फार्मूला, वो हमने ऑन द बेस ऑफ केमिकल फार्मूला करना है। कैसे? लेट्स से, याद रखिए, हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कहलाता है, और वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कहलाता है जिसके कंपोजिशंस में, जिसके फॉर्मूले में कार्बन हो। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? मॉडर्नली हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा जिसके कंपोजिशंस में, जिसके फॉर्मूले में कार्बन एलिमेंट हो, दे विल ऑर्गेनिक। कार्बन है तो ऑर्गेनिक है, कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं है। फॉर एग्जांपल CH4, मीथेन की कंपोजिशंस में देखिए कार्बन है, यस कार्बन है, सो दैट इज ऑर्गेनिक। इसके अलावा बेंजीन C6H6, ऐसे कंपोजिशंस में देखिए कार्बन है, जी है, सो दैट इज ऑर्गेनिक। तो हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक है, दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके कंपोजिशंस में कार्बन हो, और वो ऑर्गेनिक नहीं होगा जिसके कंपोजिशंस में, जिसके फार्मूले में कार्बन ना हो। अब वाटर इज व्हाट? वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक। क्यों वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक? क्योंकि इसके फार्मूले में या इसके कंपोजिशंस में कार्बन नहीं है,
क्योंकि वो ऑर्गेनिक है जिसके कंपोजिशन में कार्बन एलिमेंट हो. कार्बन है तो ऑर्गेनिक है, कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं है. सो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन. लेकिन हाँ, छंद दाने ऐसे भी है जिसके कंपोजिशन में कार्बन है, जिसके फॉर्मूले में कार्बन है, बट नॉट देयर ऑर्गेनिक. तो इसका मतलब है कि ये वाला डिफिनीशन भी पर रिजेक्ट हुआ. नो, ये रिजेक्ट नहीं है. फिर आप कहेंगे सर ऐसे आप खुद ही कह रहे हैं कि छंद ऐसे दाने हैं जिसके कंपोजिशन में कार्बन है बट नॉट ऑर्गेनिक. हाँ, छंद ऐसे भी दाने हैं जिसके कंपोजिशन में कोई कार्बन नहीं है बट ऑर्गेनिक. लेट्स सी, पहले मैं आप लोगों को वो दाने बताऊं, वो कंपाउंड्स बताऊं जिसके कंपोजिशन में कार्बन तो है बट नॉट ऑर्गेनिक, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड्स एक्सेट्रा. ये वो छंद दाने हैं जिसके फॉर्मूले में, जिसके कंपोजिशन में कार्बन तो है बट नॉट ऑर्गेनिक. और हाइड्रोजन एक ऐसा दाना है जिसके कंपोजिशन में कार्बन नहीं है, N2H4, जिसके कंपोजिशन में देखिए कोई कार्बन नहीं है बट ऑर्गेनिक. तो इसी वजह से फिर आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डिफिनीशन भी फिर रिजेक्ट हुआ. दैट इज नॉट अ मॉडर्न डिफिनीशन. फिर आपने तो मॉडर्न लिखा है. देखिए ये डिफिनीशन जरा इनकम्प्लीट है. अब जरा कंप्लीट सुने. वो कंपाउंड ऑर्गेनिक है जिसके कंपोजिशन में कार्बन हो प्लस सम करेक्टरिस्टिक्स फीचर, कुछ ऐसे करेक्टर भी है वो भी हो. अब दो कंडीशंस हो गए. व्हाट इज ऑर्गेनिक? जिसके कंपोजिशन में कार्बन हो प्लस सम करेक्टर्स भी हो. वो कौन से करेक्टर, वो मैंने नेक्स्ट डिस्कस करने हैं, वो ऑर्गेनिक होगा. अब ये इसके कंपोजिशन में कार्बन तो है बट दैट इज नॉट ऑर्गेनिक. वाय? क्योंकि इसमें पहला कंडीशन तो है कि इसमें कार्बन तो है लेकिन वो सम जो करेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑर्गेनिक है वो नहीं है, इसी वजह से ये ऑर्गेनिक नहीं है. अब इसी ये जो कंपाउंड है इसमें वो फीचर्स तो मौजूद है लेकिन इसमें चूंकि कार्बन नहीं है तो दोनों कंडीशंस हो तब ही हम उसको फुल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे. सो व्हाट इज ऑर्गेनिक? जिसके कंपोजिशन में कार्बन हो प्लस उसके सम करेक्टरिस्टिक्स फीचर हो, वो नेक्स्ट मैं बताऊंगा. अब इसमें कार्बन तो है लेकिन वो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नहीं है, इसी वजह से ये ऑर्गेनिक नहीं है. सो दैट इज द मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हर वो कंपाउंड इज ऑर्गेनिक जिसके कंपोजिशन में कार्बन हो प्लस सम करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी हो. वो जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक और रीजन बताऊं कि ये तो वो कंपाउंड है जिसकी कंपोजिशन में कार्बन है बट नॉट ऑर्गेनिक, फिर हम इसको मॉडर्न डिफिनीशन क्यों मानते हैं? इसकी वजह ये है कि देखिए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है कि जिसकी कंपोजिशन में कार्बन हो, ये 12 मिलियंस है. 12 मिलियंस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इस डिफिनीशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन चंद दाने ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहा. तो आप लोग बताएं क्या हम वो 12 मिलियंस को इग्नोर कर लें चंद दानों की खातिर? हाँ, अगर ऐसा होता कि चंद दाने इसको फॉलो कर लेता, 12 मिलियंस फॉलो ना करता, फिर तो इसको मॉडर्न कहना, फिर तो डिफाइन करना वो गलत था. लेकिन जब 12 मिलियंस इसको फॉलो कर रहे हैं, चंद दाने इसको फॉलो नहीं कर रहे, तो हम 12 मिलियंस की खातिर इन चंद दानों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो स्टिल दैट इज मॉडर्न डिफिनीशन. व्हाट इज ऑर्गेनिक? हर वो कंपाउंड इज ऑर्गेनिक जिसके कंपोजिशन में कार्बन हो, और वो ऑर्गेनिक नहीं होगा जिसके कंपोजिशन में कार्बन ना हो. दैट इज द मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक. ओल्ड डिफिनीशन क्या था? कि वो हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है जो सिर्फ लिविंग बॉडी से ही हासिल होता हो, दैट इज प्लांट एंड एनिमल्स. लेकिन उसमें फिर बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे लाइक यूरिया जो ऑर्गेनिक थे लेकिन उनका सोर्स ऑर्गेनिज्म नहीं था, तो इसी वजह से रिजेक्ट हुआ. हाँ, अगर उधर भी छंद दाने ऐसे होते
क्योंकि ओलर ने जब सिर्फ यूरिया डिस्कवर किया तो जैकब जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा था, इसको नहीं मान रहा था, वो कह रहा है स्टिल वो कंपाउंड ऑर्गेनिक है जिनका सोर्स ऑर्गेनिजम्स हो। क्यों? क्योंकि वो ओलर को कहता था कि आपने सिर्फ एक दाना ऐसा बनाया, एक कंपाउंड जो है ऐसा सिंथेसाइज किया जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो हम आपको जो है ना, हम जो है ना वो डिफिनीशन रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड इसको फॉलो कर रहे हैं, आपका एक ही कंपाउंड फॉलो नहीं कर रहा। तो जेकब नहीं मान रहा था। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स एगो, 2 साल के बाद, जब 1830 में जर्मन साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए यूरिया की तरह जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म नहीं था बट दे आर ऑर्गेनिक, तब जेकब ने माना कि मेरा डिफिनेशन गलत है, मेरी जो थ्योरी है वाटर फोर्स थ्योरी वो गलत है। सिर्फ एक कंपाउंड डिस्कवर्ड हुआ था दैट इज यूरिया, उससे वो नहीं मान रहा था। लेकिन जब 1828 में, लेकिन जब 1830 में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जर्मन साइंटिस्टों ने निकाल दिए, तब जेकब ने माना, डिफिनेशन रिजेक्ट किया। तो इधर जो है ना चंद दाने हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, अगर इस तरफ बहुत सारे दाने आ गए, बहुत सारे कंपाउंड्स आ गए जैसे कंपोजिशन में कार्बन हो बट नॉट ऑर्गेनिक, तो ये डिफिनेशन भी रिजेक्ट होगा। लेकिन जब 12 मिलियंस कंपाउंड इसको फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ चंद कंपाउंड फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो मॉडर्नली हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि जी सर व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपने कहना है कि हर वो कंपाउंड इज ऑर्गेनिक जिसके कंपोजिशंस में कार्बन हो, जिसके फार्मूले में कार्बन हो, और जिसके फार्मूले में कार्बन नहीं होगा सो दे आर नॉट ऑर्गेनिक। हाँ, लेकिन जब डिफाइन करना है तो ये जरूर कहना कि हर वो कंपाउंड इज ऑर्गेनिक जिसके कंपोजिशंस में कार्बन हो एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इसको एक्सेप्शनल केस में डालना है और ये एक्सेप्शनल वाली बात डिफिनीशन में आपने मस्ट करनी है कि हर वो कंपाउंड इज ऑर्गेनिक जिसकी कंपोजिशंस में कार्बन हो एक्सेप्ट दैट 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 एंड दैट। अगर आपने एक्सेप्शनल वाली बात डिफिनीशंस में नहीं की तो आपका डिफिनीशन गलत होगा। सो वो कंपाउंड इज ऑर्गेनिक जिसके कंपोजिशंस में कार्बन एलिमेंट हो सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन 2 बेसिस, 1 ऑन द बेस ऑफ सोर्स अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स, एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बेस ऑफ फार्मूला, ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन, दैट इज ऑर्गेनिक जिसके कंपोजिशंस में कार्बन हो सिवाय। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ सोर्स एंड सेकेंड ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिक करेक्टर ऑफ कार्बन एलिमेंट, यूनिक करेक्टर ऑफ कार्बन एलिमेंट। या अगर आपसे कोई पूछ ले कि जी व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एलिमेंट, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एलिमेंट, देखिए अगर आप लोग ये क्वेश्चन करें कि सर कार्बन की सिर्फ आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं, देखिए ना मैंने कार्बन की केमिस्ट्री इसलिए पढ़ानी है क्योंकि कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बिग बोन है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो कार्बन की वजह से है। तो जब पूरे कंपाउंड कार्बन की वजह से हैं तो हमें कार्बन की केमिस्ट्री आनी चाहिए कि जी कार्बन क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन एलिमेंट होता है, या आपको नेक्स्ट पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स कार्बन की वजह से हैं। तो जब आपको कार्बन की केमिस्ट्री क्लियर हो तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी फिर आसान हो जाएंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन है। जी केमिस्ट्री ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन जो है, याद रखिए ये पीरियाडिक टेबल में किस ग्रुप से बिलोंग्स करता है, दैट इज ग्रुप 4A। कार्बन जो है ये 4A ग्रुप से बिलोंग्स करता है। तो सारी बात है जब ग्रुप 4 से बिलोंग्स करता है तो इसके वैलेंस शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमेशा याद रखें एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक एलिमेंट 7 ग्रुप में है तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7th होंगे। अगर एक एलिमेंट 8 ग्रुप में है तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो फर्स्ट ग्रुप में है तो फर्स्ट एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। सो ग्रुप नंबर इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 4th में है तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है। सो 1s2, 2s2 एंड 2p2। 1s2 का मतलब है पहले शेल में 2, 2s2 एंड 2p2 का मतलब है कि दूसरे शेल में 4। सो इसके वैलेंस शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके वैलेंस शेल में 4 आ गए। सारी बात है, जब इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने बॉन्ड बनाएंगे। सो द नंबर ऑफ बॉन्ड जो है दैट इज 4। कार्बन हमेशा याद रखे 4 बॉन्ड बनाते हैं। एकेडम जितने बॉन्ड बनाए दैट इज नोन इज वाट, एकेडम जितने बॉन्ड बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज वैलेंसी। सो जब ये 4 बॉन्ड बनाते हैं ऑलवेज, बिकॉज इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी 4 होगी। वैलेंसी 4 होगी, इसी वजह से कार्बन को हम टेट्रा वैलेंट कहते हैं। टेट्रा का मतलब 4, और वैलेंट वैलेंसी को कहते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑलवेज 4 होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंट। सो ये है कार्बन की केमिस्ट्री। और इसके अलावा कार्बन केमिस्ट्री में इंक्लूड है कि जी व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टर, व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन। तो 4 यूनिक कैरेक्टर है कार्बन की, एक एक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन दैट इज कैटिनेशन, कैटिनेशन। सेकेंड यूनिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन दैट इज isomerism, isomerism, and the third unique character of the carbon that is make multiple bond, and the fourth unique character of the carbon that is that carbon can be make bond with metal as well as non-metal. याद रखिए कार्बन खुद non-metal है, लेकिन ये दूसरे मेटल के साथ भी बॉन्ड बना लेता है और नॉन मेटल के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेटल के साथ आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम क्या है, दैट इज मेटल। और इसके अलावा आपने देखा होगा CH4, तो CH4 में जो एच है दैट इज व्हाट, दैट इज नॉन मेटल। तो कार्बन की ये एक यूनिक कैरेक्टर है कि दे कैन बी मेक अ बॉन्ड विद मेटल एंड दे कैन बी मेक अ बॉन्ड विद नॉन मेटल। अच्छा, इसी वजह से तो इस करैक्टर की वजह से तो, बल्कि इस वजह से नहीं, इसकी वजह से भी और सेकंड इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, इसी वजह से तो दुनिया में कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा है। मैंने पहले क्या कहा, कार्बन के कंपाउंड इस दुनिया में कितने हैं, मोर देन 10 मिलियंस, दैट इज 12 मिलियंस। इस दुनिया में 12 मिलियंस कंपाउंड कार्बन के हैं। सो क्वेश्चन, कार्बन के कंपाउंड इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप लोग जब 10th केमिस्ट्री बुक में देखेंगे वहां पे एक टॉपिक लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाइवर्सिटी दुनिया को कहते हैं मैग्नीट्यूड, कि इस दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैं जो बता रहा हूँ कि दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैग्नीट्यूड है मोर देन 10 मिलियंस, दैट इज 12 मिलियंस। इसका मतलब है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है, देयर इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन। इसकी वजह क्या है, मतलब अगर आप पूछे कि सर दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के क्यों है, तो वो जो मैं अभी बता रहा हूँ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन, कि अल्लाह पाक ने कार्बन एलिमेंट्स को चंद ऐसे यूनिक कैरेक्टर दिए हैं। यूनिक का मतलब है जो किसी और के नहीं है, और उन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से इस दुनिया में कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा है। पहले सीखो वो यूनिक कैरेक्टर क्या है। देखिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स में
ये वाले कैरेक्टर सिर्फ एक एलिमेंट का है, दैट इज कार्बन। सो इसी वजह से मैं कह रहा हूं दैट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन। और इसी कैरेक्टर्स की वजह से इस दुनिया में जो मैग्नीट्यूड है कार्बन कंपाउंड का वो सबसे ज्यादा है। फिर आप क्वेश्चन ये भी करेंगे कि सर बताइए कैसे इसकी वजह से ज्यादा है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये सीखें कि यूनिक कैरेक्टर है कौन से, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस दुनिया में इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से कार्बन के कंपाउंड फिर ज्यादा क्यों है। बल्कि आप लोगों को खुद जो है ना वो आप खुद भी बता सकते हैं कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एबिलिटी है टू मेक अ बॉन्ड विद मेटल एंड नॉन मेटल। जब ये मैटर के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, नॉन मेटल के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, तो सारी बात है दुनिया में इसके कंपाउंड ज्यादा होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों के साथ मेक अ बॉन्ड, मैटर के साथ भी बॉन्ड बनाता हो, नॉन मेटल के साथ भी बॉन्ड बनाता हो। लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जब इसको मेटल मिले दे मेक अ बॉन्ड सो दे मेक अ कंपाउंड, जब इसको नॉन मेटल मिले देन दे मेक अ बॉन्ड देन दे मेक अ कंपाउंड। तो इसी वजह से कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा जब मैं आइसोमेरिज्म थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि जी आइसोमेरिज्म क्या है, तो आइसोमेरिज्म में मैं आपको लोगों को ये कहानी बताऊंगा कि क्यों कार्बन के कंपाउंड इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्यों कार्बन के कंपाउंड इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। वो मैं आइसोमेरिज्म में बताऊंगा कि जी आइसोमेरिज्म में, लेकिन आइसोमेरिज्म में बताने से पहले आप लोगों को पता हो कि जी आइसोमेरिज्म क्या है। तो पहले हम सीखेंगे इन चार यूनिक करेक्टर्स को, फिर जब हम चार यूनिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन सीख ले तब मैं बताऊंगा कि इन्हीं की वजह से इस दुनिया में कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा है। तो फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी क्लियर हुआ, उसमें आपको यही चीजें मिलेंगे। बात समझ आ रही है ना। तो द फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर जो है ऑफ द कार्बन एलिमेंट दैट इज व्हाट, दैट इज कैटिनेशन। नदीम क्या होता है कैटिनेशन? शाबाश। कैटिनेशन का मतलब है, कैटिनेशन में दो बातें हैं, कैटिनेशन में एक बात है सेल्फ लिंक और जो दूसरी बात है दैट इज लॉन्ग चेन टू मेक अ चेन। मतलब कैटिनेशन का मतलब है कि सेल्फ लिंक हो, सेल्फ लिंक का मतलब है कि कार्बन का कार्बन के साथ हो, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का सल्फर के साथ, इट्स नॉट सेल्फ लिंक। सेल्फ लिंक का मतलब है कार्बन का कार्बन के साथ हो। और लॉन्ग चेन का मतलब है कि कम से कम चार से ज्यादा कार्बन एटम हो चेन में, दैट इज लॉन्ग चेन। जब चार तीन से ज्यादा कार्बन एटम हो चेन में सो इसको हम लॉन्ग चेन कहते हैं। तो जो कार्बन एलिमेंट है इसमें ये दोनों बातें हैं, कार्बन में सेल्फ लिंक भी होता है और कार्बन लॉन्ग चेन भी बनाता है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज कैटिनेशन। लेकिन याद रखिए ये यूनिक कैरेक्टर सिर्फ कार्बन का है, इसी वजह से हम डिफिनेशन में लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ कार्बन एलिमेंट, क्योंकि ये किसी और का नहीं है। क्यों नहीं है वो रीजन भी मैं बताऊं, दी एबिलिटी ऑफ कार्बन एलिमेंट टू मेक लॉन्ग चेन, द एबिलिटी ऑफ द कार्बन एलिमेंट, the ability of the carbon element of self link and to make a long chain as known as catenation। देखिए दोनों बातें definitions में आ गई, क्योंकि definitions के लिए दोनों चीजें जरूरी है, self link भी जरूरी है element का, कि मतलब आपस में bonded हो, element आपस में bonded हो, और ऐसे आपस में बॉन्डेड हो कि चेन में कम से कम चार एलिमेंट हो, दैट इज लॉन्ग चेन। सो ये दोनों प्रॉपर्टी अल्लाह पाक ने कार्बन एलिमेंट में रखी हुई है, कार्बन आपस में भी बॉन्डेड हो सकता है, दैट इज सेल्फ लिंक, और लॉन्ग चेन भी बना सकता है। सो दिस एबिलिटी ऑफ द कार्बन एलिमेंट ऑफ द सेल्फ लिंक एंड टू मेक अ लॉन्ग चेन, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आया ये दो करेक्टर जो बता रहे हैं दैट एंड दैट, ये किसी और एलिमेंट में क्यों नहीं हो सकता। देखिए कंडीशन है, कंडीशन है,
सेल्फ लिंक कब होगा? शाबाश, सेल्फ लिंक एलिमेंट का कब होगा? सेल्फ लिंक एलिमेंट का तब होता है जब उनका आपस वाला बांड जो है वो मजबूत हो। सेल्फ लिंक तब हो सकता है जब आपस वाला बांड स्ट्रांग हो, और लॉन्ग चेन तब हो सकता है जब एलिमेंट में कम से कम मिनिमम दो बांड बनाने की सलाहियत हो, टू बांड। देखिए चेन तो देखे ना, अब सपोज एक एलिमेंट है लाइक हाइड्रोजन, उसमें एक बांड बनाने की सलाहियत है, ये चेन बना ही नहीं सकता, क्योंकि चेन के लिए एलिमेंट में दो बांड तो होनी चाहिए। क्योंकि देखे ना, चेन तब ही बनता है, एलिमेंट तब बना सकता है जब लेफ्ट साइड हो और राइट साइड हो। अब अगर आप कह दें सर हाइड्रोजन का चेन बना दे, लॉन्ग चेन बना दे, नो, क्यों नहीं बन सकता हाइड्रोजन का लॉन्ग चेन? क्योंकि हाइड्रोजन में कम से कम कितने बांड है? वन। चेन बनाने के लिए कम से कम दो बांड का होना जरूरी है कि एक इस साइड से बॉन्डेड हो जाए और दूसरा इस साइड से बॉन्डेड हो जाए। हाइड्रोजन में चूंकि एक बांड बनाने की सलाहियत है, दो है नहीं, जो मिनिमम दो चाहिए, तो इसी वजह से वो लॉन्ग चेन नहीं बना सकता। इस वजह से हाइड्रोजन एलिमेंट में कैटेनेशन नहीं हो सकता। हाँ, अगर सेल्फ लिंक वाली बात आप कर दे तो हाइड्रोजन में सेल्फ लिंक है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि सेल्फ लिंक हाइड्रोजन में कार्बन से भी ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो साइज है वो छोटा है कार्बन के मुकाबले में। तो इसका जो सेल्फ लिंक है वो है बिकॉज इसका जो बांड है वो बहुत मजबूत है आपस वाला। लेकिन एक कंडीशन से तो काम नहीं चलेगा ना, सेल्फ लिंक भी हो और साथ लॉन्ग चेन हो। लेकिन हाइड्रोजन में सेल्फ लिंक तो है क्योंकि इसका आपस वाला बांड मजबूत है, लेकिन लॉन्ग चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कम से कम दो बांड नहीं है। इसके अलावा अगर सिलिकॉन को हम ले लें, सिलिकॉन, फिर आप कहेंगे सर कार्बन में चार बांड बनाने की सलाहियत है, सो दो बांड मिनिमम चाहिए, तो वो पूरे हैं। तो इसी तरह सिलिकॉन में भी तो चार बांड बनाने की सलाहियत है, तो लॉन्ग चेन के लिए कितने बांड चाहिए? दो। तो वो तो सिलिकॉन में पूरा है, ठीक है, सिलिकॉन में ये वाला कंडीशन तो पूरा है, चेन तो बना सकता है, लेकिन वो चेन क्या हो? सेल्फ हो, मतलब वो चेन में कोई दूसरा एलिमेंट ना हो, चेन में एक ही एलिमेंट सेल्फ लिंक हो। लेकिन सिलिकॉन का जो सिलिकॉन के साथ बांड है ये मजबूत नहीं है। जब सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ बांड मजबूत नहीं है तो इसी वजह से ये सेल्फ लिंक नहीं कर सकता। सेल्फ लिंक, क्योंकि सेल्फ लिंक के लिए जरूरी है कि इनका आपस वाला रिश्ता मजबूत हो। सिलिकॉन का चूंकि आपस वाला रिश्ता मजबूत नहीं है, क्वेश्चन क्यों मजबूत नहीं है? क्योंकि सिलिकॉन का जो साइज है वो बड़ा है। लार्ज साइज एटमों का जो आपस वाला रिश्ता होता है वो मजबूत नहीं होता, इसी वजह से ये सेल्फ लिंक नहीं कर सकता। जब सेल्फ लिंक नहीं कर सकता तो हाइड्रोजन में क्या था? हाइड्रोजन में सेल्फ लिंक है बट चेन नहीं है, चेन नहीं बन सकता। सिलिकॉन में क्या है? चेन है, चेन बन सकता है, लेकिन वो सेल्फ लिंक नहीं हो सकता, तो फिर कैटेनेशन नहीं हुआ। इसलिए हाँ, कार्बन एक ऐसा वाहिद एलिमेंट है जिसका आपस वाला रिश्ते भी क्या है? मजबूत है, सो सेल्फ लिंक है, और कम से कम जो दो बांड चाहिए तो इसके वो वाला कंडीशंस भी क्या है? पूरा है। तो इसी वजह से कार्बन में दोनों एबिलिटीज है, सेल्फ लिंक भी एंड लॉन्ग चेन भी, क्योंकि इसके दोनों कंडीशन ओके हैं। इसलिए कार्बन में सिर्फ ये प्रॉपर्टी है, दैट्स कैटेनेशन, इसके अलावा किसी और एलिमेंट में नहीं है। सिलिकॉन जब भी हम देखते हैं वो जो चेन बनाता है तो आपको पता है ना, थ्रू ऑक्सीजन के जरिए बनाता है। अब इसको आप कैटेनेशन कहोगे? नो, ये कैटेनेशन नहीं है। आप क्वेश्चन करें सर क्यों कैटेनेशन नहीं है, ये तो एलिमेंट का लॉन्ग चेन है। लेकिन सिर्फ एलिमेंट की लॉन्ग चेन को तो कैटेनेशन नहीं कहते, लॉन्ग चेन के साथ साथ क्या जरूरी है? क्या ये सेल्फ लिंक है? सेल्फ लिंक तो तब होता अगर सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ होता। ये तो सिलिकॉन किसके थ्रू है? ऑक्सीजन के थ्रू है, ऑक्सीजन दोनों को जोड़ता है।
क्वेश्चन, ऑक्सीजन दोनों को क्यों जोड़ता है, सिलिकॉन सिलिकॉन से क्यों नहीं जोड़ता? क्योंकि इसका जो आपस वाला रिश्ता है, बॉन्ड है, वो मजबूत नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन हेल्प करता है इनको आपस में जोड़ने का। तो फिर सेल्फ लिंक ना हुआ, चेन तो हुआ, लिंक ना हुआ। सो दैट इज नॉट अ कैटी, ये कैटिनेशन नहीं है, कैटिनेशन इज दैट। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट खुद अपने एलिमेंट से मिला है, सो दैट इज व्हाट सेल्फ लिंक। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि बस सेल्फ लिंक है और लॉन्ग चेन नहीं है, ऐसा नहीं है। सेल्फ लिंक भी है और चेन में कम से कम तीन से क्या है, ज्यादा बॉन्ड है, सो दैट इज व्हाट एटम है, सो दैट इज व्हाट कैटिनेशन, दैट इज लॉन्ग चेन। सो कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंक एंड लॉन्ग चेन। और सेल्फ लिंक लॉन्ग चेन सिर्फ कार्बन में है। क्यों? क्योंकि सेल्फ लिंक के लिए जरूरी है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और वो कार्बन का आपस वाला स्ट्रांग है। और चेन के लिए जरूरी है मिनिमम टू बॉन्ड, और कार्बन में फोर बॉन्ड है, वो मिनिमम टू बॉन्ड पूरे हैं। बाकी किसी भी एलिमेंट में ये दो कंडीशंस नहीं है, इसलिए उसमें कैटिनेशंस नहीं है। सिर्फ किसमें कैटिनेशंस है? कार्बन्स में। और मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि कैटिनेशन ही मेन कॉज है कि इस दुनिया में कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा है। वो कैसे? वो मैं जब नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो आइसोमेरिज्म में मैं आपको कैटिनेशन से रिलेट करूंगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी कैटिनेशंस है। कार्बन में आइसोमेरिज्म है, इसी वजह से इसके कंपाउंड सबसे ज्यादा है। लेकिन कार्बन में आइसोमेरिज्म क्यों है? दैट इज ड्यू टू, लेकिन आइसोमेरिज्म जब पता चल जाएगी जी आइसोमेरिज्म क्या होता है, तब ही आप लोगों को कैटिनेशन से मैं रिलेट करूंगा। लेकिन कैटिनेशन क्या है? एलिमेंट की वो एबिलिटी जिसमें एलिमेंट सेल्फ लिंक हो और दूसरी लॉन्ग चेन भी हो, दैट इज कैटिनेशन। और सेल्फ लिंक तब हो सकता है जब आपस वाला बॉन्ड मजबूत हो, और लॉन्ग चेन तब ही हो सकता है जब एलिमेंट में कम से कम दो बॉन्ड हो। हाइड्रोजन में क्यों नहीं है कैटिनेशन? क्योंकि उसमें कम से कम दो बॉन्ड नहीं है, चेन नहीं बना सकता, सेल्फ लिंक बेशक कर सकता है। सिलिकॉन में क्यों नहीं है कैटिनेशन? क्योंकि इसमें दो बॉन्ड तो है, तो ये चेन तो बना सकता है, लेकिन उसका आपस वाला बॉन्ड मजबूत नहीं है, तो ये सेल्फ लिंक नहीं हो सकता। और कार्बन एक वाहिद एलिमेंट है जो सेल्फ लिंक भी हो सकता है और लॉन्ग चेन भी बना सकता है। सो दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।